आप खुद मुश्किल में हैं इसलिए दूसरे की मुश्किल हल नहीं कर रहे। ओ भाई, आपकी मुश्किल तो हल ही तब होनी है जब उसकी मुश्किल हल करेंगे। वो आ गया, आकर अपने कर्ज का मुतालबा करने लगा, और उसने कर्ज का मुतालबा करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमीज को खींचा। वेर इज जेनेवा कन्वेंशन? कहाँ गया वो कैदियों के बारे में जो असूल पास किया था? ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहाँ है? आप कहते हैं यूएन आगे बचाएगी। यूएन के अपने 100 कारकुन अभी तक मर चुके हैं वहां पर। आज तक जब से यूएन बनी है इतने उसके कहीं नहीं मरे। अब ये नहीं कह सकते सांप को कि सांप के मुंह में जहर क्यों है, ये भी नहीं कह सकते कि सांप डस क्यों रहा है, जहर है डसेगा। ऐसा कोई चाहिए जो जाए और सांप को उसके जहर के समेत खा जाए। जब भी आप किसी बंदे से कोई बात कर रहे होते हैं ना, जो बात आप किसी के बारे में कहते हैं वो बंदा वही बात आपसे वाबस्ता कर देता है। आप जो चीज देखते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं, उसको देखकर फौरन राय कायम करते हैं, और ना सिर्फ राय कायम करते हैं आगे उसको फैलाना भी शुरू कर दे। अंदर गए, अंदर एक झोपड़ी थी, एक कपड़ा लटक रहा था, कपड़े से अंदर चले गए, अंदर एक फालिज ज़दा बाबा था जिसके मुंह से राल टपक रही थी। उन्होंने उसको उठाया, उठाकर अपने कपड़े से राल साफ की और वो नान और कबाब उनके मुंह में डालने लगे। वो बाबा आगे से कहने लगा, बिशर कब तक आओगे, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ के चले गए हैं, तुम 10 साल से मुझे आके खाना खिला रहे हो। और ये सब हमारा ईमान है कयामत पे रोजे जजा पे, है ना, कि जितनी जखीरा अंदोजी कर रहे हो, जितने हकूक पामाल कर रहे हो, जितनी रिश्वतें ले रहे हो, सारी तुम्हारे हाथ में पकड़ाई जाएंगी और सबके सामने पकड़ाई जाएंगी, सजाएं भी बताई कौन सी मिलेंगी। लेकिन ये हरकतें और लोगों के रवैये देख के आपको लगता है कि इन्हें ईमान है इस बात पर कि आखिरत आएगी? पिछले जुमे में हमने जो गुफ्तगू की थी वो एहसास की थी, फीलिंग्स, सिंपथी, एम्पथी एंड कंपैशन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसास के वाक़ियात को हमने डिस्कस किया था कि आपने कितना एहसास रखा और हमें इसकी तरबियत फरमाई, और कुछ सहाबा कराम के एहसास के वाक़ियात भी हमने सुने। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अनहु, बड़ा ज़बरदस्त वाक़िया था। मुसनद इमाम अहमद के अंदर हदीस है, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अनहु मौज़िन रसूल हैं, आपने असर की अकामत पढ़ दी थी, असर की अकामत हो चुकी थी, एक बद्दू आया और आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक काम है, मेरा वो काम कर दीजिए। और उस हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुक्तदियों को, नमाजियों को कहा, ज़रा 2 मिनट ठहरना, मैं पहले इसका काम कर रहा हूँ। दीज आर द साइंस, दीज आर हाउ हिज लाइफस्टाइल वाज एंड व्हाट ही वांट्स टू प्रीच अस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के कर्जे के हवाले से आप साथ गए, आपने जाके सिफारिश की, और एक वो औरत थी उसका किस्सा आपने सुना होगा, उस औरत वो रो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए उसके साथ उसकी मालकन से सिफारिश करने के लिए। हम ये किसी की मदद करते हुए ना ला ताल्लुक हो जाते हैं। अब नोट करें, इसमें एक मुलाजमा भी है, एक सहाबी भी हैं, सबकी मदद है, हम ला ताल्लुक हो जाते हैं, मुझे इससे क्या है, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल में हूँ। आप खुद मुश्किल में हैं इसलिए दूसरे की मुश्किल हल नहीं कर रहे। ओ भाई, आपकी मुश्किल तो हल ही तब होनी है जब उसकी मुश्किल हल करेंगे। अब ये नहीं सोच रहे कि आपकी मुश्किल की चाबी उसकी मुश्किल हल करने के अंदर है। और हाँ, ये सुन लेना, अगर कोई बंदा खुद स्ट्रगल कर रहा है, ही इज स्ट्रगलिंग एंड ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल ही इज असिस्टिंग यू, ही इज गिविंग यू हेल्प, देन दिस इज नॉट सिंपल असिस्टेंस, दिस इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लव। एक आदमी खुद कश्मकश में है, खुद आजमाइश में है, और उसके बावजूद आपकी मदद कर रहा है, तो ये मोहब्बत है, ये वाकई कोई एहसास की आला दर्जे की किस्म है। तो एहसास ये बड़ा जरूरी होता है, और जिसके अंदर ही होता है वो हर जगह नजर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फकर ही इख्तियारी था, आपको तो ऑफर थी, ए नबी, ए हबीब, आप चाहें तो ये मक्के के पहाड़ सारे हम आपके लिए सोने के बना देते हैं, ये सारे पहाड़ सोने के बन जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि एक दिन मैं भूख से रहूं और एक दिन मैं खाना खाऊं, जिस दिन मैं भूखा हूं उस दिन भी मैं तेरी हमद बयान करूँ, और जिस दिन आसूदा हूँ तब भी मैं तेरी हमद बयान करूँ।
زید بن سنہ ایک یہودی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے اور وہ قرض لے کر بھی دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. وہ آ گیا, آ کر اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا, اور اس نے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیض کو کھینچا. یہ جسارت تھی بہت بڑی, اور اس وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے گھور کے اس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا, تجھے پتہ نہیں میں کھڑا ہوں یہاں پہ اور تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, عمر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کو چاہیے تھا آپ اس کو نرمی کی تلقین فرماتے اور مجھے بھی حسن ادائیگی کی تلقین فرماتے. اچھا آپ دیکھیں غلطی اس نے کی ہے, ایک تو وہ بولا بھی اونچی ہے, دوسرا اس نے قمیض کو کھینچا ہے, تیسرا بھی قرض کی ادائیگی میں چار دن باقی ہیں, چار دن پہلے آگے وہ بدتمیزی کر رہا ہے. اس کے باوجود نبی پاک نے فرمایا, عمر یہ جو آپ نے گھورا نا اس کو, ایک تو قرض واپس کرو اور دوسرا اس کو زیادہ کھجوریں دو کہ تمہارا جو گھورنا وہ کمپنسیٹ ہو سکے. دس از احساس, دس از احساس. اور وہ یہودی پھر بعد میں کہتا ہے, عمر یاد رکھو میں بہت بڑا عالم ہوں ان یہودیوں کا اور میں تورات کا عالم ہوں, میں نے ان میں ساری نشانیاں دیکھ لی تھی, ایک یہ نشانی باقی تھی کہ ان پہ جتنا یوں رویہ رکھا جائے ان کے اندر اتنی نرمی آتی چلی جائے گی. یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے آخری نبی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ احساس یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی جو ہوں گے, بڑے جو ہوں گے, ان کو احساس ہوگا. تو آج دیکھ لیں احساس کی کتنی کمی اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے. یو کین جسٹ سی وٹ از ہیپننگ. اب تو خبریں بھی آنا کم ہو گئی ہے, ظالم سب کچھ تباہ نہیں کرتا چلا جا رہا, شدید نہیں شدید ترین ہے یہ. اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں نا, ان کی زندگیوں میں نہتے شہریوں پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا آج تک, یہ یاد رکھیے گا. کوئی اصول نہیں ہے, مجھے بتائیں کیا اصول ہے. نسام ویلی ہے, اس کے اندر وہ ایک جس طرح یہاں ہمارے ارائی برادری ہے, گجر برادری, وہاں کوئی برادری ہوگی نسام برادری ہے, اس کا ایک گھر بنا ہوا تھا, اس میں 45 لوگ تھے, کوئی اطلاع دیے بغیر, کوئی میسج, کوئی وارننگ نہیں, صبح 4 بجے بمباری ہوئی ہے, 45 کے 45 شہید ہو گئے. اور وہاں کے جو نیبر ہڈ کے لوگ ہیں وہ اتوار کی صبح سے لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی کا ہاتھ پڑا ہے, یہاں پہ کسی کا سر پڑا ہے. ہم 45 لوگوں کے ہاتھ پیر سر کٹھے کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں, کٹھے کرتے کرتے ہم پہ بم گر جائے. کیا اصول ہے مجھے بتائیں. وہ 45 لوگ یہاں یہ سن کر آئے تھے کہ یہاں آ جاؤ یہاں بمباری نہیں ہوگی. 18,000 شہادتیں ہو چکی ہیں اور ان میں سے کئی ایسی ہیں جو کہ سکولوں میں اور ہسپتالوں میں ہوئی ہیں. ویئر از جنیوا کنونشن؟ کہاں گیا وہ قیدیوں کے بارے میں جو اصول پاس کیا تھا؟ ہیومینیٹیرین لا کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں یو این آگے بچائے گی, یو این کے اپنے 100 کارکن ابھی تک مر چکے ہیں وہاں پر. آج تک جب سے یو این بنی ہے اتنے اس کے کہیں نہیں مرے. 151 جرنلسٹ مر چکے ہیں جنہوں نے لکھا ہوتا اوپر پریس. ایک بات سمجھ میں آتی, میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ جو ہو رہا ہے دیکھ کر, ایک بات اور یہ یاد رکھیے گا, یہ تاریخی بات ہے, صرف میں نہیں کہہ رہا. آئی ہیو گون تھرو دا ہسٹری, دین آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دس پرٹیکولر سینٹینس. دا سینٹینس از پاور, بس انبریڈلڈ انچیلنجڈ اینڈ ایبسولوٹ پاور, طاقت ہے بس, سب کچھ طاقت ہوتی ہے. کس کے پاس طاقت ہے؟ مکمل طاقت جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, انبریڈلڈ, باغے نہیں اس طاقت کی. بس کیا ہو رہا ہے؟ سارا ویسٹ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ویسٹ کے رہنے والے لوگ چاہے اس کے خلاف ہو جو ہو رہا ہے, انہیں یہ بری لگتی ہے بات. 1,00,000 بندہ لندن میں نکل آیا, 2,00,000 اٹلی میں نکل آیا, تعداد زیادہ ہے پاور نہیں ہے. کیا ہوا؟ اتنی زبردست تقریریں سنائی گئیں. یو این کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس نے تقریر کی ہے, انووک 99 آرٹیکل آف یو این چارٹر. 99 آرٹیکل یو این چارٹر کا یہ بڑا خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ 2017 سے اب تک یہ نہیں ہوا, اب اس دفعہ ہوا یہ. یہ جی پبلک آرڈر ڈس ارے ہو رہا ہے, پوری دنیا کو خطرہ آ گیا, پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے. بڑی خوش نما تقریریں ہوئی, سارا کچھ ہوا. ادھر کیا ہوا ہے؟ جس دن جنگ بندی ہوئی اس دن 500 بندہ شہید کیا ہے. ایبسلوٹ پاور,
ताकत किसके पास है, बस ये देखो। जिसके पास ताकत है वो पूरे तरीके से कुचल रहा है। अब ये नहीं कह सकते सांप को कि सांप के मुंह में जहर क्यों है, ये भी नहीं कह सकते कि सांप डस क्यों रहा है, जहर है डसेगा। ऐसा कोई चाहिए जो जाए और सांप को उसके जहर के समेत खा जाए, वो ये ना देखे सांप में जहर होता है कि नहीं होता। एहसास बड़ी चीज है और हम कर भी क्या सकते हैं, दुनिया नहीं मगर खेल तमाशा। ट्राई टू बी पॉजिटिव, अपने माइंड सेट में पॉजिटिव होने की कोशिश करें। जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं ना, इंसान की जात के भी दो रुख होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब बोलता है वो, उसका किरदार वो बताता है कि ये पॉजिटिव माइंड सेट का है कि नेगेटिव माइंड सेट का, इसकी तरबियत कैसे हुई है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक दुनिया के 87% लोग वो नेगेटिव माइंड सेट का सोचते हैं अगर वो अपने दिमाग पर काबू ना रखें। यू विल थिंक नेगेटिव, आप नेगेटिव ही सोचेंगे। और बड़ी हैरानी की बात आपको बताऊं, हार्वर्ड की रिसर्च है, जब भी आप किसी बंदे से कोई बात कर रहे होते हैं ना, जो बात आप किसी के बारे में कहते हैं वो बंदा वही बात आपसे वाबस्ता कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं अकबर इज वेरी कंसिडरेट एंड वेरी सिंपथेटिक, अकबर बड़ा अच्छा है, बड़ा नरम दिल है और बड़ा ब्रिलियंट है, आप फौरन ना चाहते हुए ये बातें मुझसे वाबस्ता कर देंगे कि ये भी जो कह रहे हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा और बड़ा ब्रिलियंट है। और जब मैं आपसे कहूंगा फला बड़ा बुरा है, फला बड़ा अजीब सा है, फला बड़ा ये है, आप फौरन वो बातें मुझसे मंसूब कर देंगे कि ये खुद भी ऐसा है। तो पॉजिटिव माइंडसेट की ये बात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर आप माइंडसेट की बात करते हैं, क्या ही जबरदस्त माइंडसेट है। जिस रात हिजरत हुई उस रात वो लोग तलवारें लेकर आ गए, बर्चियां लेकर आ गए, नेजे लेकर आ गए, बाहर आके जान के दर पे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हज़रत अली से फरमा ले, अली इनकी इमानतें मेरे पास है, वो इमानतें सुबह वापस करके फिर तुम मदीने आ जाना। सामने से फायर खुला हुआ है और वो चंद दिनारों की इमानतें हैं, हुजूर उससे भी ओहदा भरा नहीं हो रहे बल्कि दे के आ रहे हैं। हतेसाल फरमाते हैं कि ओहद के दिन जब नबी पाक के दांत शहीद हुए, चेहरे से खून बहा, मैं जानता हूं जिसने चेहरा धोया, मैं जानता हूं जिसने खून साफ किया। हुजूर की खुद वो जो कैस्क जिसे कहते हैं आयरन हेलमेट होता है, वो चेहरे पर ही टूट गया था। कहते हैं मैं सब जानता हूं कि हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, बेटी हैं, उन्होंने खून साफ किया था। हज़रत अली अपनी ढाल पर पानी लेकर आते थे, हज़रत फातिमा ने खजूर की चटाई का एक कोना तोड़ा, उसको दागा गर्म किया और वो राख हुजूर की जगह पर रखी, खून बंद हो गया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में फरमा रहे थे, ए अल्लाह मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, मुझे जानती नहीं है, इन्हें माफ फरमा दे, ये मुझे जानते नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट देखो। हज़रत आयशा एक दिन पूछती हैं, या रसूलल्लाह मुझे ये इरशाद फरमाइए कि क्या ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन आप पर कोई आया? कहां, ताइफ में, जब मैंने नेकी की दावत दी, वो अब्दिया लैल नाम के सरदार थे, उन्होंने मारा, फिर मैं उधर बैठ गया, फिर एक बदली आई, उस बदली में से जिब्रील अमीन अलैहि सलाम ने कहा जो कॉल यहां हुआ और जो कौम ने जवाब दिया सब सुन लिया गया है, ये पहाड़ों का फरिश्ता आया है, आप हुक्म फरमाए, ये पहाड़ इन पर उंडेल देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। नबी पाक ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है उनकी औलाद में वो लोग आएंगे जो लोग अल्लाह पर ईमान लेकर आएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट, दिस इज पॉजिटिव माइंडसेट। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, अपनी सोचों को मुस्बत कर लो। कुरान मजीद सूरतुल हुजरात मेरे सामने, ए ईमान वालों बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुना हो जाता है। ऐब ना ढूंढो, दूसरे की गीबत ना किया करो, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने भाई का गोश्त खाए तो तुम्हें यह गवारा होगा? अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। गुमानों से बचो, ट्राई टू बी पॉजिटिव, आपको फायदा देगी ये चीज। फरमाया नबी पाक ने, अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, बदगुमानी बदतरीन झूठ है, जाहरी और बातनी ऐब मत तलाश करो। हज़रत अमीर कलां रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बाउद्दीन नक्शबंद के पीर हैं ये। आप कहते हैं कि जब मैं मुरीद होने शेख के पास गया,
तो मैंने सुना था वो बहुत बड़े दरवेश हैं। जब मैं वहां गया तो वो कुश्ती लड़ रहे थे और कुश्ती सिखा रहे थे अपने मुरीदों को। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो आया था बहुत बड़ा दरवेश सुन के कि यहाँ पर कोई महफिल सजी होगी, कोई जिक्र अजकार हो रहा होगा, कोई ऐसा मामला होगा, तो कुश्ती कर रहे हैं और कुश्ती सिखा रहे हैं, थोड़े से बदजन हो गए। और अब उन्होंने रात को वहीं ठहरना था क्योंकि वो दौर ऐसा था वापसी आना मुश्किल होता था। रात को वहां ठहरे, रात को ख्वाब में क्या देखा कि वो खुद दलदल में फंस चुके हैं और वो शेख उनको दलदल से निकाल रहे। सुबह उठे, शेख नाश्ता लेकर आए और आकर कहा देखो अगर मैं कुश्ती ना करूं, ताकत ना हो मेरे में, तो मैं दलदल से कैसे बचाऊं। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया देखकर कुश्ती को? ओ भाई, गैर मुस्लिम हम पे हमला करने वाले हैं, मैं जिहाद के लिए खुद भी तैयारी कर रहा हूं, अपने मुरीदों को भी तैयारी करवा रहा हूं। आप जो चीज देखते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं, उसको देखकर फौरन राय कायम करते हैं और ना सिर्फ राय कायम करते हैं, आगे उसको फैलाना भी शुरू कर देते हैं। अगर हम ये कुश्ती देखते हैं तो शायद ढोल भी साथ शामिल कर देते हैं, क्या ढोल भी बज रहा था वहां पे, सारा कुछ हो रहा था। ट्राई टू बी पॉजिटिव। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे अखलाक सिखाया, याद रखना। और हमारी क्या राय है? वो सारे डॉक्टर ही छुरे हैं, सारे ताजर ही बददियानत है, सारे सरकारी अफसर राशि और रिश्वतखोर है, और पूरी मार्केट के अंदर गंद ही गंद है कि नहीं? एक परसेप्शन मुझे बताओ, जितने पुलिस वाले खड़े हैं सारे एक जैसे हैं। अगर इतनी गुमराही हो जाए, मुआशरा बाकी कैसे रहेगा? अपने आप को पॉजिटिव करें। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, याद रखिएगा, मोहल्ले के अंदर फौतगी हो जाए, मोहल्लेदार आते हैं, मदद करते हैं। सैलाब आया, जलजला आया, लोगों ने इमदाद की, अपने आप को पॉजिटिव रखें। माँ अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए बुलाए, बेटा बात सुनना, बीवी फौरन तैयार हो जाती है कि माई अब पट्टी पढ़ाएगी मेरे शौहर को। वो तुम्हारे आने से पहले की माँ है, वो उसकी बचपन से बातें करती आ रही है, अब उसने बुला लिया तो ये क्या बदजनी हो रही है। और ये चीज फिर आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तुमरे फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक ने नया निकाह फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौजा के साथ उम्मुल मोमिनीन के साथ गुजर रहे थे, मैं था और साथ दो यहूदी खड़े थे। हुजूर गुजर गए, उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मुताहरा को घर छोड़ के वापस आए और आके ऊंची आवाज में कहा उमर ये मेरी बीवी थी। उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे तो गुमानों में भी नहीं आ सकता ये। फरमाया नहीं, ये यहूदी, इनको सुनाया मैंने कि बुरे गुमानों से बचो। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, कि जब भी आपके जहन में कोई गुमान आए उसको पॉजिटिव साइड पर ले जाए, पॉजिटिव साइड पर ले जाए। एक बंदा कह रहा होता है कि जी भाई को भी मैं पाल रहा हूं, माँ बाप भी माजल्ला मेरे पेटे पड़े हुए हैं, मैं ये खिदमत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। वो ये सोचो अल्लाह ने तुम्हें सादत अता फरमाई है। एक बंदे से किसी ने कहा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास रहते हैं, उसने थोड़ी सी तब्दीली की लेकिन गुमान देखे, वो कहता है मेरे पास नहीं रहते, मैं उनके पास रहता हूं, वो बड़े हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खड़े थे, शफीक बलखी थे, शफीक बलखी उम्र में छोटे थे लेकिन दरवेश थे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक थे उम्र में बड़े थे और बहुत बड़ा नाम है मुहद्दिसीन में। ये जब महफिल खत्म हुई, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं शफीक आप दुआ कराएं, वो कहते नहीं आप दुआ कराएं, कहते आप दुआ कराएं, आप बड़े हैं, आपकी नेकियां ज्यादा हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते तो फिर तुम छोटे हो, तुम्हारे गुनाह कम है, तुम दुआ कराओ, गुमान अच्छा रखना चाहिए। मोहतरम सामीन इकराम, जब भी कोई चीज देखे अपना गुमान अच्छा करे। पॉजिटिव थिंकिंग से आपको फायदा होता है, आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स पॉजिटिव एडजस्ट होते हैं। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे, पूरा बगदाद आपका अकीदत मंद था और जानवर भी अकीदत रखते थे। जब आप गुजरते नंगे पांव रहते थे आप, तो जानवर गोबर नहीं किया करते थे, सारा बगदाद आपका अकीदत मंद था। एक ताजर आपसे सेट नहीं था, वो आपके बारे में बुरी बात करता था। किसी ने पूछा भाई आप इनके साथ क्यों बुरी बात करते हैं, वो कहने लगा जी ये जुमे की नमाज पढ़ते हैं, फर्ज पढ़ के फौरन चले जाते हैं, सुन्नत और नफल नहीं पढ़ते, मुझे इस बात पे इतराज है। कहने लगे वो बात होगी, बड़े बुजुर्ग है। कहा नहीं, नजर आना चाहिए, ये पढ़ के जाए, मुझे नजर क्यों नहीं आता, ये पढ़ के जाए। अब बात हो रही थी, आखिर एक दिन उसने फैसला किया मैं इसकी तहकीक करूंगा और वो जुमे के दिन बाहर खड़ा हो गया। हज़रत बिशर आफी रहमतुल्लाह ताला ने जुमे की नमाज पढ़ी और फर्ज पढ़ने के बाद जब बाहर निकले वो पीछे हो लिया, वो सीधा नान भाई की दुकान पे गए, वहां जाके नान खरीदा।
अब उसने फौरन कहा, वो देखो मौलवी साहब को ना भूख बड़ी लगती है, इसलिए नमाज पढ़ के फौरन सुन्नत नहीं पढ़ते, खाने आ जाते हैं। सारे मौलवी खाना खाते हैं, सारे मौलवी बहुत चटोरे होते हैं। पहले भी बात मैंने की थी कि हम, मैं एक जगह पर गया, मेरी आदत है मैं कम खाता हूँ जब सफ़र में होता हूँ, ट्रैवलिंग डायरिया हो जाता है। वहाँ जाके कम खाया तो मुझे मेज़बान कहने लगा, हज़रत जी आप तो बड़े नेक हैं, आपने कम खाना खाया, अभी पिछले हफ्ते 3 मौलवी बुलाए थे, उन्होंने तो डट के बड़ा खाना खाया, मौलवियों की तरह खाना खाया। मैंने उनसे कहा, मेरी बात सुने, कुछ लोगों की डाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और हो सकता है वो जो आपने मेहमान बुलाए थे उस वक़्त वो भूखे हों, उनको भूख लगी हो, आपने खाना बनाया रखा खिलाने के लिए ही, और अब आप उनकी कौन सी बातें मुझे सुना रहे हैं? सुने, उनकी ये बात आपने नोट की और मुझे सुनाई, मैं भी जो आया हूं ना, मेरी भी कोई बात नोट कर चुके हैं आप, और वो किसी और को सुनाएंगे। खाना आपने रखा है ना, तो ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? मुसलमान है, आया है, आपका मेहमान है, आपने उसके राज खोलना शुरू कर दिए, और ये कौन सी ऐसी बात थी जो बताना मुझे वाजिब है? उनके खाना खाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहता जी ये नान भाई के पास खड़े हुए हैं, ये इन्होंने नान खरीदना है। अब जब आगे गए, आगे कबाब वाले के पास खड़े हो गए, कबाब लिया, नान और कबाब हो गए। हाँ देखो मौलवी साहब ने कबाब भी ले लिया, कह के बिशरे आफी रहमतुल्लाह ताला ले जंगल की तरफ गए, वो भी गया, कहा अब ये छुप के खाना खाएंगे नान कबाब, ताकि लोगों को लगे जी ये सूखी रोटी खाते हैं। अंदर गए, अंदर एक झोंपड़ी थी, एक कपड़ा लटक रहा था, कपड़े से अंदर चले गए, अंदर एक फालिज ज़दा बाबा था जिसके मुंह से राल टपक रही थी। उन्होंने उसको उठाया, उठाकर अपने कपड़े से राल साफ की, और वो नान और कबाब उनके मुंह में डालने लगे। वो बाबा आगे से कहने लगा, बिशर कब तक आओगे, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ के चले गए हैं, तुम 10 साल से मुझे आके खाना खिला रहे हो। कहा सुने बाबा जी, ये कोई एहसान नहीं है, आज मेरी सारी इबादतें एक तरफ हैं, लेकिन हो सकता है बगदाद में जो मुझे इकबाल और जो बुलंद मर्तबा मिला है इस इबादत के सदके हो। बाहर आए, वो ताजिर कहता सुनिए, मुझे अपने इरादत मंदों में दाखिल कीजिए, मैं जिसे सबसे बड़ी बुराई समझ रहा था वो तो सबसे बड़ी अच्छाई आपकी साबित हुई है। सुन लो मेरी ये बात लास्ट में, ये आखिरी बात गौर से सुन लो, ये जो कहते हो ना इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम जिंदगी का असल रंग है, इस्लाम जीना सिखाता है, ये मेरी दो बातें सुन लेना। इस्लाम ने जिस बात का हुक्म दिया और जिस बात से रोका, दर हकीकत उसके नीचे कोई कॉज होती है, अंडरलाइंग कॉज होती है, बजाहर वो बात जो मर्जी नजर आ रही हो उसके नीचे एक वजह होती है जिसलिए कहा गया इस बात को अपनाओ या इसको छोड़ो। वो कॉज ढूंढो, उस बात को ना देखो, वजह देखो इस्लाम क्यों कह रहा है ये बात को छोड़ो, वजह देखो इस्लाम क्यों कह रहा है इस बात को अपनाओ। और वो क्या बात है? तुम्हारी इस्लाह और पूरे मुआशरे की इस्लाह। नमाज, हाथ धोने, कुछ एक्ट परफॉर्म करने, झुकना है, उठना है, बैठना है, ये नमाज है ना, बाजार ये है। अंदर क्या है इसके कि तुम्हारी जात में नज्म व ज़ब्त है, ये बेहयाई के सारे काम तुम छोड़ दो, तुम्हारी जात में तकवा है। तो वो बंदा जो बाजार नमाज पढ़ रहा है, शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही, तकवा नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता, उसकी नमाज में खराबी है। तुम रोजा रख रहे हो, बाजार भूखा रहना है, असल ये नहीं है। कॉजेस क्या है, कॉजेस क्या है? तुम्हारी जात में कनात आए, तुम्हारा अल्लाह के ऊपर भरोसा बढ़े, रिस्क जो खा रहे हो उसके ऊपर तुम्हारी बात आए, हज करने जा रहे हो, इतना 2,24,00,000 बंदा इकट्ठा हो गया, क्या वजह है नीचे? ताकि तुम्हारे दिन मुसावात आए, एक जैसे कपड़े पहने, अमीर गरीब सब एक जैसे हो गए। सो रिमेंबर, जो इस्लाम जिस काम से तुम्हें मना कर रहा है, जिस काम से तुम्हें इजाजत दे रहा है, उसको गौर से देखो। सूद और तिजारत दोनों एक जैसी चीजें, सूद में भी पैसा बढ़ रहा है, तिजारत में भी बढ़ रहा है। सूद से क्यों रोका? ताकि डिस्क्रिमिनेशन रुक सके, ताकि गुर्बत खत्म हो, तिजारत को फरोग मिले। तो हैरत नहीं होती आज आपको कि ये कौम, ये उम्मत, दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान है, पाकिस्तान में 96.47 लोग मुसलमान है परसेंट, और ये सब हमारा ईमान है कयामत पे, रोजे जजा पे, है ना, कि जितनी जखीरा अंदोजी कर रहे हो, जितने हकूक पामाल कर रहे हो, जितनी रिश्वतें ले रहे हो, सारी तुम्हारे हाथ में पकड़ाई जाएंगी और सबके सामने पकड़ाई जाएंगी, सजाएं भी बताई कौन सी मिलेंगी। लेकिन ये हरकतें और लोगों के रवैये देख के आपको लगता है कि इन्हें ईमान है इस बात पर कि आखिरत आएगी? आज इतने बिगड़ चुके हैं हम, इतने बिगड़ चुके हैं कि कुरान पाक में जिस उम्मत की तारीफ की गई,
अपने आप को देखे तो मैं लगता ही नहीं है वो उम्मत है। देखो अगर तुम्हें रास्ते का पता है ना, गौर से सुनना, अगर तुम्हें रास्ते का पता है तो जो गुमराह है ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन चुके हैं। याद रखो हर बंदा अबू जहल के मिजाज का नहीं होता, इतना ढीट हो के वो सुने ना। लोगों की तबीयतें अच्छी होती हैं, अच्छे अंदाज से उनको समझाओ, उनको बताओ। और ये भी याद रखना कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। अभी मेरा कायद अजम यूनिवर्सिटी के अंदर वेबिनार था, उसके अंदर लड़के ने मुझसे पूछा उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, उम्मीद उम्मीद क्या होती है, तो झूठ है। नहीं, आप उम्मीद और ख्वाहिश में फर्क नहीं कर रहे। उम्मीद कभी झूठी नहीं होती, ख्वाहिश झूठी हो सकती है। ख्वाहिश आपको मिले ना मिले, बच्चा ख्वाहिश करता है मैंने सुपरमैन स्पाइडरमैन बनना है, नहीं मुश्किल है, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बच्चा ख्वाहिश करता है मैंने डॉक्टर बनना है, बन सकता है। आज उठे एमडी कैट पास करे, 80,000 लड़कों ने इस दफा एमडी कैट दिया, मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले, दिन रात लगे और उसकी उम्मीद ठीक हो जाएगी। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा